जय श्री स्वामी नारायण। अनंत काल से अनेक ऋषि मुनियों की तपस्थली समा भगवान श्री स्वामी नारायण एवं उनके अवतारों के पावन चरणों से अंकित गरबा गिरनार की गोद में सोरठ की पावन भूमि को तीर्थत्व प्रदान करता श्री स्वामी नारायण सुवर्ण मुख्य मंदिर जूनागढ़, जिसमें श्री हरि स्थापित राधा रमण देव की अमीमयी दृष्टि जिस पर है एवं वग्दाल्य ऋषि की महान तपस्थली बगसरा धाम में श्री हरि के कृपा पात्र संत गुणातीतानंद स्वामी की प्रेरणा से उनके शिष्य पूज्य माधव चरणदास जी स्वामी के अथाग पुरुषार्थ से जूनागढ़ की पुरानी धर्मशाला के प्रसादी के काष्ठ इस्तेमाल करके सम्मत 1923 में मंदिर का निर्माण किया गया और सुवर्ण वस्त्रों से अलंकृत भगवान श्री हरि जी की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई। समय के व्यतीत होने से बगसरा में सत्संग की अभिवृद्धि को लक्ष्य में लेकर जेतपुर मंदिर के समर्थ संत पूज्य श्री हरिदास जी स्वामी के शुभ संकल्प एवं राजीपे से बगसरा धाम में सदगुरु स्वामी श्री लक्ष्मी प्रसाद दास जी की शुभ प्रेरणा एवं संतों के अथाग पुरुषार्थ से और हरिभक्तों के आर्थिक सहयोग से नूतन मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 5 एकड़ के विशाल परिसर में बंसीपाड़ पत्थर में नवनिर्मित भव्यतम मंदिर 1,00,000 घनफीट पत्थर में बनेगा। 3 गगनचुंबी मुख्य शिखर, बेहतरीन कलाकृति से युक्त 1 बड़ा गुंबज, 17 सामरण, 15 जरूखे, 90 स्तंभ, 68 तोरण से सुशोभित मंदिर जिसकी प्रदक्षिणा करने हेतु बनेगा परिक्रमा पथ और 3500 घनफीट पत्थर से बना मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार। मंदिर में स्थापित देवों को पवित्र रूप से भोग लगाने के लिए होगा रसोई घर एवं संतों के लिए संत निवास और हरिभक्तों को प्रसाद लेने के लिए बनेगा भोजनालय एवं भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले दर्शनार्थी भक्तों के ठहरने के लिए बनेगा भक्त निवास एवं श्री हरि जी के दिव्य चरित्रों और कथामृत के रसपान के लिए विशाल सभा मंडप। अद्यतन सुविधा से युक्त बनेगी पवित्र गौ माता के लिए गौशाला एवं स्त्री भक्तों के सत्संग की अभिवृद्धि के लिए निर्माण होगा नूतन श्री स्वामीनारायण महिला मंदिर। मंदिर के भव्यतम विशाल पटांगण में ठाकुर जी को फूल के श्रृंगार में अभिवृद्धि करने के लिए बनेगा पुष्पबाग। आने वाले दर्शनार्थी भक्तों को वाहन पार्क करने के लिए होगी पार्किंग की सुंदर व्यवस्था। बगसरा धाम की शोभा को बढ़ाने के लिए कुकावाव रोड पर मोक्ष के द्वार समान हुआ श्री घनश्याम प्रवेश द्वार एवं अमरेली रोड पर हुआ श्री सहजानंद प्रवेश द्वार एवं धारी रोड पर हुआ श्री नीलकंठ प्रवेश द्वार। राधा रमण देव के सानिध्य में सोरठ प्रदेश के अनेक गांवों में उपासना की ज्योत अखंड चालू रखने के लिए हुआ हरिमंदिरों का निर्माण एवं गांवों में सभा प्रसंग और महोत्सव द्वारा हुआ सत्संग अविरत सेवा कार्य। सेवा मुक्तिश्च गम्यताम्।